हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो देखते हैं, एक बिंदु A बिंदु है x1 y1 z1, इससे जाने वाली और सदिश B सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो हम देखते हैं, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु A से ax1 y1 और z1 से जाती है। ये रेखा, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक सदिश B सदिश के समांतर है, B सदिश के समांतर है। इस रेखा का समीकरण क्या, मान लो इस रेखा पर एक बिंदु P मानते हैं, x y z इसके निर्देशांक हैं, तब मूल बिंदु O के सापेक्ष इस A का स्थिति सदिश OA और P का स्थिति सदिश OP होगा। OP सदिश, जिसको R सदिश बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं P का स्थिति सदिश xi cap + yj cap + zk cap, और इसका स्थिति सदिश OA सदिश होगा, जिसको हम A सदिश भी लिख सकते हैं। और A सदिश होगा हमारे पास में A सदिश x1 i cap + y1 j cap + z1 k cap लेते हैं। तो हमारे पास में इस AP रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, AP रेखा का समीकरण। ये जो AP रेखा है A बिंदु से जाती है और सदिश B के समांतर है, तो AP है जो B के समांतर है, AP समांतर है B के, B सदिश के। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, तो समांतर की शर्त होती है, समांतर की शर्त होती है कि AP सदिश बराबर लैम्डा B सदिश। यह हमारे पास में शर्त होती है। जब दो सदिश आपस में समांतर होते हैं तो पहला सदिश बराबर लैम्डा दूसरा सदिश, या दूसरा सदिश बराबर लैम्डा पहला सदिश, इस प्रकार से शर्त होती है। अब AP सदिश को लिख सकते हैं हम OP सदिश। AP सदिश का मतलब P का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश OA सदिश बराबर लैम्डा B सदिश। OP हमारे पास में R सदिश है और माइनस OA हमारे पास में A सदिश है और बराबर लैम्डा B सदिश। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से R सदिश बराबर A माइनस का इधर आएगा तो प्लस का A सदिश और प्लस लैम्डा B सदिश। इस प्रकार से हमारे पास में रेखा का समीकरण आता है, एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियर मालूम है कि ए जो सदिश है, ये जिस बिंदु से रेखा जा रही है उसका स्थिति सदिश है, और बी सदिश है, रेखा जिस सदिश के समांतर है उस समांतर सदिश को बी सदिश से व्यक्त करते हैं, और आर हमारे पास में इस रेखा पर स्थित बिंदु P है उसका स्थिति सदिश है R सदिश। इसको हम कार्तीय रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला समीकरण हमारे पास में आता है सदिश रूप में रेखा का समीकरण। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल ये है हमारे पास में कि एक रेखा बिंदु A 5 2 -4 से जाती है। एक रेखा है जो बिंदु 5 2 -4 से जाती है और B सदिश, जो हमारे पास में समांतर सदिश होता है B सदिश, वो 3 i cap + 2 j cap - k 8 k cap। ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक रेखा जो इस बिंदु से जाती है और B सदिश के समांतर है, तब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो, यहां हमारे पास में फॉर्मूला है R सदिश, तो हम लिखेंगे R सदिश बराबर A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश। तो R सदिश ऐसे कैसे, A सदिश किसको मानते हैं, A का स्थिति सदिश, तो मानेंगे हम 5 i cap + 2 j cap - 4 k cap और प्लस लैम्डा
और बी सदिश हमारे पास में दिया हुआ है जिस सदिश के समांतर है वो, तो 3i कैप + 2j कैप - 8k कैप इस प्रकार से। अब आई आई वालों को सोल्व कर सकते हैं हमें जो, तो आर सदिश बराबर 5i कैप और ये लैम्डा 3i इस प्रकार से, या फिर ऐसे के ऐसे भी हमारे पास में सदिश रूप में ये रेखा का समीकरण लिख सकते हैं या इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो 5i कैप और यहाँ प्लस में हमारे पास में आएगा 3λi कैप, दोनों में से i कैप कॉमन ले लेंगे बाद में, फिर प्लस 2j कैप, तो 2j कैप इसका, इसमें लैम्डा अंदर गुणा होगा तो प्लस में आएगा 2λj कैप, और यहां हमारे पास में माइनस का 4k कैप है और यहां माइनस का 8λk कैप, तो हम यहां i कॉमन ले सकते हैं, तो 5 + 3λ और i कैप प्लस का यहां 2 + 2λj कैप माइनस यहां कॉमन ले सकते हैं हम k कैप, तो 4 + 8λ और k कैप इस प्रकार से। ये सदिश रूप में हमारे पास रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु A से जाता है और एक सदिश के समांतर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि जिस बिंदु से जाता है उसका स्थिति सदिश A लिख दो प्लस लैम्डा, और जिसके भी समांतर है वो B सदिश उसकी जगह में लिख दो, B सदिश की जगह में। तो हमारे पास सदिश रूप में एक बिंदु से जाने वाला और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आ जाता है। तो इस प्रकार से हम एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया है, फॉर्मूले के बाद में एक एग्जांपल दिया है। अब नेक्स्ट हम इसका कार्तीय रूप पढ़ेंगे, एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों रूप पढ़ेंगे, और इसके जस्ट बाद में हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट लगातार वीडियो को देखते रहें, जिससे कि और एक चीज और ध्यान रखें कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का चिन्ह भी दबाएं।